Hi everyone, my name is Shivansh Bhaseen and welcome back to the Investrology. So, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कल कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सेटअप रह सकता है. सो मैंने आप लोगों को तीन स्टॉक्स रिकमेंड करे थे जिसमें था कोफोर्ज, सुबेक्स लिमिटेड एंड PVR. इसकी मैंने डिटेल्ड एनालिसिस के थ्रू आप लोगों को सिखाया था कि कैसे स्टॉक्स को फाइंड करते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं और कब देख कर हमें एक्चुअल में बाय करना है. सो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था कोफोर्ज. आपने देखा होगा कि 80, 90, 100 रुपए तक आज वो ऊपर गया है. सुबेक्स लिमिटेड 5% तक ऊपर गया है. PVR अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं करी जो हम लोगों ने डिस्कस करा था, तो उस पर कोई भी एंट्री हुई नहीं. सो बहुत बढ़िया तरीके से हमारी एनालिसिस चल रही है. टेलीग्राम गाइस जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि वहां पर मैं आप लोगों को लाइव मार्केट में अपडेट्स दे रहा हूँ कि कब बाय करना है, कब सेल करना है. मैंने बैंक निफ्टी का गाइस आप लोगों को एक ट्रेड दिया कि एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ जो मैं अभी दिखाऊंगा आपको, और वहां पर भी बहुत पैसा कमाया गया है. सो स्टे ट्यून्ड विद अस गाइस एंड चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कल कौन से तीन स्टॉक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं. हाय एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला स्टॉक जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ दैट इज कैनरा बैंक. और ये बताने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज आप लोगों के बताना चाहूंगा जो आपके फेवर में है, दैट इज कि हम लोगों ने अपने चैनल से मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया है. इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जो भी एड्स आते हैं ना स्टार्टिंग में, इन बिटवीन और लास्ट पे, वो एड्स अब आपको नहीं देखने को मिलेंगे. सिंपल वीडियो स्टार्ट हो जाएगी और क्लियरली आप पूरी वीडियो को आराम से देख सकते हैं. मैं क्या नोटिस कर रहा था कि बार बार एड्स आने की वजह से ना लोगों का जो माइंडसेट होता है जो एक चीज़ देखने का वो बदल जाता है कभी कभार. तो मैं ये नहीं चाहता, मुझे यूट्यूब से कुछ नहीं चाहिए, बट आप लोग मार्केट को ध्यान से समझ पाएं इसी वजह से मैंने हटाया. सो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा गाइस, पूरी वीडियो. सो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा मैं, जल्दी जल्दी समझाता हूँ. तो सबसे पहले हम लोग एक सपोर्ट ड्रॉ करेंगे. तो मैंने एक सपोर्ट लाइन को ड्रॉ कर लिया है. इसके अलावा अब मैं एक रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ. ठीक है, जब मैंने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करा, स्टॉक का नाम है कैनरा बैंक, तो मैंने देखा कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है. एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट हुआ और दोबारा आज ऊपर गया. तो अब थोड़ा सा जूम करके देखते हैं. यहां पर हम लोगों ने देखा कि एग्जैक्टली इस लेवल पे एक ब्रेकआउट आया. ब्रेकआउट आने के बाद ये नीचे आया, इट गेव अ रीटेस्ट, थोड़ा सा ऊपर गया, दोबारा नीचे आया एंड फिर ऊपर गया. अब इस पर एक अच्छी बात क्या है ये स्टॉक रिकमेंडेशन करने के लिए कि यहां पर इसने एक डबल बॉटम क्रिएट करा है. आप देख पा रहे होंगे इसने एक डबल बॉटम क्रिएट करा अपने रीटेस्ट पे और वहां से एक बहुत बुलिश कैंडल आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर देखने को मिल गई. अब हमें बाय करना है तो कैसे बाय करें. देखिए ये एक लेवल है, इस लेवल के ऊपर अगर ये स्टॉक जाता है तो हम लोग अपनी एक बाइंग पोजिशन बनाएंगे. तो लेट्स मूव टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम. 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं आता हूं तो मैं देखता हूं कि पहले भी 15 मिनट की कैंडल एक बुलिश ऊपर क्लोज करी है बट उसके ऊपर जा नहीं पाया और दोबारा नीचे आया. तो चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे. 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी मैं देख रहा हूँ एक बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद दोबारा नीचे आ गई. ठीक है, सो आई थिंक अगर मैं ये वाली एक लाइन ड्रॉ करता हूँ दैट इज दिस पर्टिकुलर लाइन. अब आप देख पा रहे होंगे, अब आपको सिस्टम क्लियर हो गया होगा कि ये हाई था, ये हाई एंड अब एक जो हाई बन सकता है अगर ब्रेकआउट आता है तो दैट शुड बी दिस लेवल. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हम लोग वेट करेंगे 15 मिनट की कैंडल का इसके ऊपर क्लोज होने में. सो जैसे इस लेवल के ऊपर अगर क्लोज करता है दैट इज 162 रुपीज के ऊपर जैसे ही क्लोज करेगा हम लोग अपनी एक बाइंग जनरेट करेंगे. आर टारगेट शुड बी 165 to 167 रुपीज इन कैनरा बैंक. ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड स्टॉक की. सो हमारा गाइस दूसरा स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज. आरती इंडस्ट्रीज में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ. सबसे पहले चार्ट ड्रॉ करते हैं. सो रेजिस्टेंस लाइन सबसे पहले बनाते हैं. हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर दी है. इसके अलावा अब हम लोग सपोर्ट अगर ड्रॉ करें सो आई थिंक आर सपोर्ट शुड बी लाइक दिस. ठीक है, सो हमें एक चीज़ पता चल गई, ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये एक राइजिंग चैनल के अंदर काम कर रहा है. ठीक है, इसके अलावा जिस लेवल से आप राइजिंग चैनल का जो सपोर्ट लाइन है आप देख पा रहे होंगे वहाँ पर एक हैमर बना, एक बुलिश हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न होता है और इसका एक ब्रेकआउट भी और हायर साइड में जा रहा है. अगर मैं फर्दर एनालिसिस करता हूँ तो मुझे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर इसने एक मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है. आप देख रहे हैं एक डबल बॉटम टाइप ऑफ क्रिएशन है और यहाँ से ऊपर चढ़ा है. ठीक है, इसके अलावा मैं अगर और फर्दर स्टडी करूँ
तो मुझे एक लाइन ये भी दिख रही है, ठीक है, एंड मुझे एक सपोर्ट ये भी दिख रहा है. लेट मी शो यू, ये देख पा रहे हैं? सो मैंने अभी क्या देखा कि एक राइजिंग चैनल है और एक राइजिंग चैनल, एक लॉन्ग टर्म राइजिंग चैनल के अंदर एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड चैनल है, ठीक है. और वहां पर मैंने क्या देखा, उसी चैनल के अंदर एक डबल बॉटम भी क्रिएट हुआ है, जो कि ये आपको देखने को मिल रहा है, प्लस एक जो डाउन ट्रेंड चैनल है, शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड चैनल है, उसका एक ब्रेकआउट भी दे चुका है. आप यहां पर देख सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन पे, ठीक है. अब हमें कैसे ट्रेड करना है, देखिए, जो मेरा सबसे पहला टारगेट होगा, दैट टारगेट शुड बी अराउंड दिस लेवल, ठीक है. एंड मेरा जो सेकेंड टारगेट होगा, सेकेंड टारगेट शुड बी एट दिस पर्टिकुलर लेवल, ठीक है. अब बाय कहां पर करना है, देखिए, जो मैं बाय करूंगा वो मैं बाय करूंगा एग्जैक्टली इस लेवल के ऊपर, ठीक है, एग्जैक्टली इस लेवल के ऊपर मेरी बाय होगी. सो राइट नाउ द करंट प्राइस इज 937. मैं बाय करूंगा जो उसका प्रीवियस स्विंग हाई है ना, जहां से करेक्शन आया था, वो ब्रेकआउट देगा. तो 15 मिनट की कैंडल अगर 945 के ऊपर ब्रेकआउट देती है तो मैं बाय करूंगा विद द फर्स्ट टारगेट ऑफ 960, सेकेंड टारगेट ऑफ 975 एंड द थर्ड टारगेट ऑफ, जो कि अब लॉन्ग टर्म चैनल का जो रेजिस्टेंस लाइन है, दैट शुड बी 992,000 रुपीज का लेवल, ठीक है. तो हमें बाय तभी करना है जब 945 के ऊपर ब्रेकआउट देगा. सो अब बात करते हैं अपने लास्ट एंड थर्ड स्टॉक की. सो गाइस, हमारा जो थर्ड स्टॉक है दैट इज टाटा केमिकल्स. टाटा केमिकल्स पे अगर मैं सपोर्ट ड्रॉ करूं, सो आई थिंक द सपोर्ट कम हियर्स, एंड अगर मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूं, सो रेजिस्टेंस पर्टिकुलरली आ सकता है एट दिस पर्टिकुलर लेवल पे, ठीक है. सो अगर मैं ये पर्टिकुलर पैटर्न को स्टडी करूं, ये स्ट्रक्चर को स्टडी करूं, तो मुझे देखने को मिल रहा है कि एक राइजिंग वेज के अंदर ये स्टॉक काम कर रहा है. क्या मैं इसी पैटर्न के बेसिस पे अपना डिसीजन ले सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं. बट मैंने इस पे एक खास चीज देखी थी जो बहुत कम बनती है, बट अगर बनती है तो अपने टारगेट को रीच डेफिनेटली करती है, 89% तक एक्यूरेसी होती है. सो क्या बन रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ. स्टॉक का नाम है टाटा केमिकल्स. थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पे और मैं एक जोन आप लोगों के लिए क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है. ये एक पर्टिकुलर जोन है. अब आप यहां पर अगर देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस था. एग्जैक्टली रेजिस्टेंस से ये फॉल करा, एक शार्प फॉल देखने को मिली, ठीक है. इसके अलावा जब ये रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट दिया विद अ गैप अप, एक गैप अप के साथ एक ब्रेकआउट दिया, आप देख रहे हैं, इसने रीटेस्ट करा, रीटेस्ट करने के बाद दोबारा ऊपर गया, अगेन इट गेव अ रीटेस्ट, और यहां पर इसने एक डबल बॉटम क्रिएट करा. आप देख पा रहे हैं, जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, दैट बिकम सपोर्ट आफ्टर गिविंग अ रीटेस्ट एंड फॉर्म्ड अ डबल बॉटम चार्ट पैटर्न, ठीक है. अब आप देखेंगे ऊपर गया, नीचे आया, एंड क्रिएटेड अ डबल बॉटम. अपने प्रीवियस हाई, जो ये इसका प्रीवियस स्विंग हाई था, इसको भी क्लोज करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है. तो ये मेरे लिए एक स्ट्रक्चर और एक पैटर्न बहुत अच्छा है. अब बात करते हैं ट्रेडिंग की, तो देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस और था, इस रेजिस्टेंस के ऊपर भी इसने अपनी क्लोजिंग दे दी है. तो अभी जो टाटा केमिकल है, इसका जो करंट प्राइस है, दैट इज 858 रुपीज का. अब क्या हम लोग इसी लेवल पे बाय कर सकते हैं? कर सकते हो. अगर 854, 853, 850 तक भी आता है तो भी इस पे अपनी बाइंग पोजीशन आप लोग बना सकते हो. अब बात करें टारगेट की, तो सर टारगेट कहाँ पर होगा? तो मेरे लिए जो टारगेट है दैट इज दिस पर्टिकुलर लेवल, जो कि 875 टू 880 रुपीज का है, ठीक है. हम लोग बाय कर सकते हैं 855 रुपीज के आसपास, और 875 टू 880 रुपीज का हमारा पहला टारगेट है. अब सर दूसरा टारगेट क्या है? तो दूसरा टारगेट है, ये चैनल देख रहे हैं, ये एक राइजिंग वेज देख रहे हैं, इसका जो ये रेजिस्टेंस है ना, अपर राइजिंग का जो रेजिस्टेंस है, ये हमारा एक सेकेंड टारगेट की तरफ से एक्ट कर सकता है, ठीक है. तो ये थी गाइज हमारी एनालिसिस तीन स्टॉक्स की. अब हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और FIIs डाटा एंड ऑप्शन डाटा की. सो गाइज, मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है, एंड ये जो एनालिसिस थी ऑलरेडी हम लोग 3 दिन की अपनी वीडियो से देखे आ रहे हैं. मैंने आपको कहा था ये जो एक पर्टिकुलर पर्पल कलर का आपको एक जोन दिख रहा है, इस जोन के ऊपर हम लोग बाय करेंगे या इस जोन के नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे, इस रेंज के अंदर हमें कोई ट्रेड नहीं करना. सो हमने क्या बात करी थी, अगर जोन के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो हम लोग अपना बाय कर सकते हैं. 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई और एग्जैक्टली 100 पॉइंट्स तक की इसने रैली दी है, तो हमारा जो ट्रेडिंग सेटअप था वो बहुत अच्छे तरीके से कामयाब रहा. अब क्या करना है, देखिए एग्जैक्टली अपने अपने हाई पे ट्रेड कर रहा है, हाई पे ट्रेड कर रहा है. अगर हम लोग कोई भी स्टॉक को बाय करते हैं, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं हमारा जो टारगेट होगा वो होगा ऊपर, कोई भी रेजिस्टेंस होगा उसे हम टारगेट मानते हैं. बट ये तो लाइफ टाइम हाई पे स्टॉक काम कर रहा है, तो इसका टारगेट कैसे फाइंड करा जाए? तो उसके लिए हम लोग क्या स्ट्रैटेजी लगाएंगे, हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे.
5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब मैं आया तो मैं यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैंने एक चीज ऑब्जर्व क्या करी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्नेक ट्रिपल टॉप टाइप ऑफ सिनेरियो क्रिएट करा है। सो अगर कल इसके ऊपर जाता है जो कि 17,330 या 340 रुपीस का लेवल है, इसके ऊपर अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो हम लोग अपना बाय सेटअप जनरेट कर सकते हैं एंड ये फिर 17,580 या 600 तक जा सकता है, ठीक है। बट अगर फॉल आता है तो आप देख रहे हैं मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है, इस ट्रेंड लाइन और जोन के नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो हम लोग अपना एक शॉर्ट पोजीशन भी इनिशिएट कर सकते हैं। बट इस बात को ध्यान रखना कि जो पावर होगी गिरने में वो बहुत कम होगी और जो पावर होगी बढ़ने में इस इंडेक्स के अंदर वो बहुत ज्यादा होगी। इसका सेंस का मतलब क्या बनता है कि अगर गिरावट आती है तो देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि हल्का सा नीचे जाके बहुत तेजी से ऊपर चले जाए और आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाए। तो अगर डाउनसाइड आता है तो एक लॉट में काम करना और जल्दी अर्ली एग्जिट कर लेना। बट अगर एक अपसाइड मोमेंटम आता है तो आप लोग पेशेंसली वेट कर सकते हो और 2-3 लॉट में भी काम करके रख सकते हो। इसको प्रूफ करने के लिए मैं आपको ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट का डाटा भी दिखा दूंगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी पे अगर मैं देखूं तो बैंक निफ्टी पे भी मैंने आप लोगों को आज भी टेलीग्राम चैनल पे बताया था ये इंडेक्स कि आप लोग 36,750 पे बाय कर सकते हैं और मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम पे भी बताया था। सो गाइस इंस्टाग्राम पे भी हमें जरूर फॉलो करिएगा बिकॉज मैं वहां पर लाइव मार्केट में भी आप लोगों को रिकमेंडेशंस देता हूं कि कब बाय करना है कहां पर बाय करना है। आप जाके देख सकते हैं मैंने जैसे ही ब्रेकआउट आया था 36,750 पे तो मैंने चार्ट्स के साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करा था, प्लस वहां पर मैंने अभी प्रॉफिट्स भी डाल रखे हैं जो हमारे मेंबर्स ने अर्न करे हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे नए पोस्ट और चीजें भी हम लोग डाल रहे हैं जो आप लोगों के लिए फेवर में है, तो जाके जरूर चेक करिएगा। नीचे लिंक में आप लोगों को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा एंड आप उसे जाके हमें फॉलो जरूर कर सकते हैं। सो बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आया, एग्जैक्टली ये ब्रेकआउट लेवल पे हम लोगों ने बाय करा, हम लोगों ने एग्जैक्टली 36,900 पे एग्जिट करा, एग्जैक्टली वहीं से ये इंडेक्स दोबारा नीचे आ चुका है। अब यहाँ पर दो सिनेरियो बनते हैं, अगर ये दोबारा इस लेवल पे आता है और रीटेस्ट करता है और यहाँ से एक रिवर्सल आता है तो हम लोग एक दोबारा बाय सेटअप जनरेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये इस पर्टिकुलर रेड लाइन के ऊपर चले जाता है जो कि 36,945 का लेवल है तो हम लोग एक बाय सेटअप भी जनरेट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 37,100 रुपीज का। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी मैंने बता दी, डाउनसाइड इज वेरी लिमिटेड और अपसाइड इज वेरी ह्यूज। तो मैं आप लोगों को एक बार ओपन इंटरेस्ट का डाटा और FII का डाटा भी दिखा देता हूं, फिर हम लोग अपने एक टाइम पीरियड पे आ जाएंगे। सो मैंने निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट के एनालिसिस के सामने आपके सामने ओपन कर दिया एंड जल्दी से समझते हैं, ठीक है। सो ये आप देख रहे हैं जो ग्रीन कलर का बार है इसे हम लोग पुट ओपन इंटरेस्ट चेंज कहते हैं। सो हैवी पुट राइटिंग कहाँ पर देखने को मिल रही है, वो देखने को मिल रही है 17,500 एंड सेकेंड हाइज देखने को मिल रही है 17,400। सो पुट राइटिंग का हमें मतलब बताता है कि बेस कहाँ पर है। सो अभी करंट प्राइस है 17,512 रुपीज के आसपास का। सो अब कल मार्केट खुलते ही अगर एक गैप डाउन ओपनिंग होती है और 17,500 के नीचे खुलता है और 15 मिनट भी सस्टेन कर लेता है उसी के नीचे तो ये पूरा स्ट्रक्चर का सिनेरियो बदल सकता है और तब हमारी मार्केट 17,430-40 तक भी आ सकती है और उसी लेवल पे फिर हम दोबारा एक बाइंग देख सकते हैं। सो हमें बाय ऑन डिप्स करना है अगर ये सिनेरियो मिलता है, अदरवाइज अगर कल गैप अभी ओपन होता है और ऊपर ही सस्टेन करता है 17,520 के ऊपर तो हम लोग अपने एक बाय सेटअप जनरेट कर सकते हैं, हमारा टारगेट होगा 15,600-650 रुपीस का, ठीक है। ये पूरी एनालिसिस हम लोगों को देखने को मिल रही है। अगर मैं बैंक निफ्टी का ओपन करता हूँ तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है दैट इज 36,850 रुपीस पे और हाईएस्ट पुट राइटिंग है 36,700, 800 एंड 900 कंसेक्यूटिवली, ठीक है। सो अगर कल एक गैप डाउन ओपनिंग होती है और 36,800 के नीचे खुलता है तो सिंपल हमारा जो टारगेट होगा दैट इज 36,720 रुपीस का या 30 रुपीस का और वहां पर हमें अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेना है क्योंकि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी मुझे लगता है कि कल काम पे आ सकती है। बट जो हाईएस्ट कॉल राइटिंग हमें देखने को मिल रही है जो कि एक रेजिस्टेंस होता है दैट अराउंड 37,000 पे, तो 37,000 पे एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। बट अगर उसको ब्रेक कर देता है और उसके ऊपर सस्टेन कर लेता है तो फिर ऊपर के बहुत लेवल्स खुल जाएंगे, मतलब 38,000 तक के भी टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर ओपन इंटरेस्ट डाटा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं क्योंकि कल जब मार्केट ओपन होगी तो जो मार्केट ओपन होकर जो सिनेरियो बनेगा उस समय वो डिसाइड करेगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा।
अब बात करते हैं एक बार FII डाटा की। तो FII डाटा पे कॉल जो उन्होंने बाइंग करी है वो 2 लाख क्वांटिटी बाय करी है, एंड उन्होंने जो पुट बाय करा दैट इज 1.8 लाख क्वांटिटी। तो इन दी सेंस वो लोग स्लाइटली बुलिश है, स्लाइटली, ठीक है। सो अगर मैं आप लोगों को इंडेक्स फ्यूचर उन्होंने क्या करा है, तो उन्होंने 170 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर भी लॉन्ग करा है। अब 3 दिन से वो लोग इंडेक्स फ्यूचर को शॉर्ट कर रहे थे, आज के दिन उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर को लॉन्ग भी करा है, प्लस उन्होंने FIIs ने स्टॉक्स पे भी अपनी बाइंग करी है, प्लस DIIs ने भी अपनी बाइंग करी है। सो इससे तो हमें यही चीज पता चल रही है कि यहाँ पे वो लोग अभी बुलिश है। सो बाय ऑन डिप्स, और अगर गैप अप खुल के ऊपर जाता है तो भी हम लोग बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गाइस ये था सिनेरियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। हम लोग एम कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर मंथ के अंदर हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करें। मैंने आप लोगों के लिए मोनेटाइजेशन हटा दिया है, सो मेरे यूट्यूब से जो इनकम सोर्स थी वो भी मैंने अपनी हटा दी है, सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो हमारी वीडियोस को देखते हुए। सो इस वीडियो को अगर आपने आखिरी तक देखा तो प्लीज़ सपोर्ट अस, एंड प्लीज़ कमेंट ऑन आर दिस पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो, और हमें बताइए कि आप लोगों को हमारा कंसेप्ट कैसा लग रहा है। Thank you so much guys. Have a nice day. Good night.